अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट 10। तो इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में बेसिकली जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके बारे में बताया गया है कि उसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली इस दुनिया में आई और बोली जाती है। तो इंग्लिश मतलब इंग्लिश क्या कोई भी लैंग्वेज हो वो कोई एक शख्स नहीं बनाता ना ईजाद करता है, बल्कि बहुत सारे लोग या हम कह सकते हैं पूरी नेशन या पूरा लश्कर मिलकर इसको बनाते हैं या ईजाद करते हैं, जबकि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे थोड़ी बहुत हिस्ट्री। English is not the language that has always been spoken in the British Isles. Now indeed, it is the only language that is spoken there today. English was originally a foreign language imported by foreign invaders. These invaders were two Germanic tribes living in what is now northern Germany along the North Sea coast. They were called the Angles and Saxons, and they spoke different dialects of the same language. It is from these dialects that modern English has descended. अब English language, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक तो सबसे बड़ी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ी language है जिसे हर जगह तकरीबन समझा जाता है, हर मुल्क में समझते हैं लोग सब तकरीबन, और modern जो ये ज़माना है इसमें तो तकरीबन हर कोई इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकता है और ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। और इसके अलावा ये शुरू से नहीं बोली जाती ब्रिटेन में, स्पेशली ये शुरू से नहीं बोली जाती। ये जो इजाद है वो फॉरेन मतलब गैर मुल्की जो लोग हैं, और ये यहाँ की ज़बान भी नहीं है, ये बाहर की ज़बान है। और स्पेशली जो दो जर्मेनिक ट्राइब्स में लोग रहते थे, एक का नाम एंगल था और एक का नाम सैक्सन था, इन दो ने स्टार्ट की, और ये एक छोटे से गांव से इनका ताल्लुक़ था और उन्होंने स्टार्ट की ये लैंग्वेज वगैरह, और यूँ कह सकते हैं कि एक छोटा हिस्सा स्टार्ट किया क्योंकि ये है तो बहुत बड़ी लैंग्वेज। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये किसी एक या दो की ईजाद नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे लोग या लश्कर मिलकर एक लैंग्वेज को बनाते हैं। उर्दू है जैसे, इसी तरीके से उर्दू को भी बनने में बहुत टाइम लगा, बहुत सारे लोगों ने बनाया मिल के, इसी तरीके से इंग्लिश भी। लेकिन यहाँ पर जो दो नाम मेंशन है, एंगल्स और सैक्सन, उनका नाम थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि इन्होंने डिफरेंट डायलेक्ट्स मतलब बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स वगैरह बोले, मतलब जो इंग्लिश से मिलते जुलते थे, और डायलेक्ट्स मतलब कोई भी एक लैंग्वेज जो कि एक ही एरिया में बोली जाती हो, तो इसलिए इनका नाम थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। एंग्लो-सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश एज हिस्टोरियंस ऑफ द लैंग्वेज प्रीफर टू कॉल इट रिमेन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम अबाउट AD 450 टू AD 1150। इट लुक्ड लाइक दिस, दे who did not believe refuse through their own choice not through faith। अब एंग्लो-सैक्सन नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि पहले जो दो ट्राइब्स थे एक ही जगह पर रह रहे थे मतलब जर्मनी में, लेकिन वो दो अलग अलग प्लेसेस थी, एक का नाम था एंगल्स और दूसरे का नाम था सैक्सन। तो यहाँ पर जो नाम हाईलाइट हैं तो इन लोगों में आपस में बनती नहीं थी, मतलब जंगें बहुत जारी रहती थी और जंग का माहौल रहता था। तो जब बहुत जंगें हुई तो ये जो लैंग्वेजेस हैं दोनों, यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी, एंगल्स में अलग बोली जाती थी, सैक्सन में अलग बोली जाती थी, तो ये दोनों लैंग्वेजेस मिलाकर इस लैंग्वेज को नाम दे दिया गया एंग्लो-सैक्सन का, और जिसको हम कहते हैं कि ये ओल्ड इंग्लिश है, पुरानी है, मतलब हिस्ट्री में कभी बोली जाती थी, तारीख की लैंग्वेज इसको कहते हैं। और फिर ये इंग्लैंड की लैंग्वेज रही काफ़ी अरसे तक, मतलब 450 AD से लेकर 1150 AD तक, 1150 AD में इसका इख्तिताम हो गया, ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है जो कि बिल्कुल एंग्लो-सैक्सन जो ओल्ड इंग्लिश है उस तरीके से लिखा हुआ है, और आगे उसकी मीनिंग है, द रीज़न वाई इट इज़ नॉट स्टिल द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड इज़ दैट देयर वर टू मोर फॉरेन
invasions of the island by people speaking different tongues. अब रीज़न क्या है कि ये लैंग्वेज इंग्लैंड में नहीं बोली जाती? अब पहले बहुत ज़्यादा इसका एक दौर था जब बहुत फेमस हो गई थी ये लैंग्वेज, एंग्लो सैक्सन ओल्ड इंग्लिश के नाम से बहुत फेमस थी, तो वो क्यों ख़त्म हो गई, उसका जवाल क्यों हो गया? तो उसका रीज़न ये है कि पहले तो इन दो ट्राइब्स में बहुत जंगें होती थी, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि जो दूसरे और ट्राइब्स हैं या दूसरे और लोग हैं आइलैंड के, उन्होंने भी आकर इन लोगों पर हमला कर दिया. एक तो फर्स्ट द नॉर्थ मैन और वाइकिंग्स फ्रॉम डेनमार्क, पहला तो नॉर्थ मैन और वाइकिंग्स डेनमार्क के इलाके के लोग थे वो, और दूसरा नॉर्मन्स फ्रॉम नॉर्मेंडी इन फ्रांस, और दूसरे नॉर्मन्स जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे. तो इन लोगों ने, अब इनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट हैं, इन लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट है, वहाँ पर एंग्लो सैक्सन बोली जाती है, और फिर जब इन लोगों ने हमला किया और इनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट थी, तो फिर एंग्लो सैक्सन का जवाल शुरू हो गया, फिर वो लैंग्वेज एक वक्त में आकर ख़त्म हो गई. रीज़न यही था कि आपस की लड़ाई झगड़े और लोगों ने हमला किया, तो यही रीज़न थे जिसकी वजह से इसका इख्तिताम हो गया. द रिज़ल्ट ऑफ दीज फर्दर इन्वेशंस, पर्टिकुलरली द सेकेंड बाय द फ्रेंच स्पीकिंग नॉर्मन्स इन AD 1066, वॉज टू मॉडिफाई ओल्ड इंग्लिश वेरी कंसिडरेबली एंड टर्न इट इन द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 3 centuries इन टू अ कंपाउंड लैंग्वेज विच वी नो एज मिडिल लैंग्वेज. अब जब बहुत ज़्यादा जंगें हुई आपस में, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला? उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बिल्कुल जितने भी मतलब कबीले थे सब, पहले एंग्लो सैक्सन आ गई, उसके बाद ऐसा हुआ कि जंगों के नतीजे में जो लैंग्वेज है वो तो ख़त्म हो गई एंग्लो सैक्सन. उसके बाद एक शख्स आया जो कि फ्रेंच मैन ही था, उसने, उसके थ्रू सब जंगें ख़त्म हो गई और सब जो लिंक है सबका वो बहुत अच्छे से बन गया. और उसके बाद फिर एक लैंग्वेज आई, एक ज़बान बनी जिसको नाम दिया गया कंपाउंड लैंग्वेज का. मतलब ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाई थी पहले वाली से, बहुत अच्छी थी, मॉडिफाई थी लैंग्वेज, और इसको नाम दे दिया गया मिडिल इंग्लिश का, जिसे हम कंपाउंड लैंग्वेज भी कहते हैं. मिडिल इंग्लिश मतलब कि ये जो मिडिल एजेस थे उस दौर की इंग्लिश है. मिडिल इंग्लिश वॉज स्पोकन इन डाइवर्सिटी ऑफ रीजनल डायलैक्ट्स एंड इंडीड कॉलोकियल इंग्लिश इन मैनी रीजन ऑफ इंग्लैंड स्टिल हैज़ बीन मार्क रीजनल करेक्टरिस्टिक्स विच डिसेंडेड फ्राम द मिडिल इंग्लिश डायलैक्ट स्पोकन देयर. और ज़ाहिर सी बात है कि फिर इंग्लिश में बातचीत वगैरह, इस तरह की जो लिंक है वो बने, और साथ साथ जो मिडिल इंग्लिश है उसमें भी बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी आ गई. मतलब बहुत से चेंजेस भी आते गए वक्त के साथ साथ, बहुत सारे चेंजेस भी आते गए. हाउएवर द रिटन इंग्लिश ऑफ द लिटरेचर जर्नलिज्म पब्लिक अफेयर्स एंड कॉमर्स हैज़ फॉर सेंचुरीज बीन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म. और जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर है, जर्नलिज्म है, पब्लिक अफेयर्स है, कॉमर्स है, ये सब एक तकरीबन बहुत अरसे तक सेम रहीं. मतलब पहले जब एंग्लो सैक्सन आई थी तो वो बीच में ख़त्म हो गई थी जंगों की वजह से, लेकिन जो अब लैंग्वेज आई, मॉडिफाई लैंग्वेज जो हुई, या मिडिल इंग्लिश हम कह सकते हैं, तो ये काफ़ी अरसे तक रही, बिल्कुल सेम रही. और लिटरेचर हो, जर्नलिज्म हो, पब्लिक अफेयर्स हो, कुछ भी हो, वो सब चीज़ें एक ही लैंग्वेज में बोली जाती थी या लिखी जाती थी और वो सेम थी. एन इंग्लिश मैनस स्पीच विल ऑफन टेल यू वेयर ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, बट ही इज़ वेल एजुकेटेड, हिज राइटिंग्स रियली वेल. ऑल द इंग्लिश इन दिस बुक इज़ in what may be called standard English, which is free from local peculiarities. अब जो आपके पास यहाँ पर है, वैसे अगर पहले देखा जाए तो जो मॉडिफाई लैंग्वेज थी वो आराम से कोई भी ईजिली बोल सकता था और बता सकता था, मतलब अपना इंट्रोडक्शन कि वो क्या है और वो सब कुछ, इंट्रोडक्शन अपना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकता था. और उसके बाद अब जो हमारे पास, ये जो बुक में हमारे पास इंग्लिश गिवन है, तो ये जो है वो लोकल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुकी है जो अभी हमारे पास प्रेजेंट है. और जितनी भी लोकल पेक्युलैरिटीज़, मतलब जितनी भी गलतियाँ वगैरह या कोई भी ऐसे एरर्स, उन सब से
क्लीन है, मतलब ऐसी कोई चीज़ इसमें प्रेजेंट नहीं है, और ये हमारे पास मॉडर्न इंग्लिश है। द स्टैंडर्ड इंग्लिश डिसेंड्स फ्रॉम अ डायलैक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश यूजली नोन एज द लेट लंडन डायलैक्ट, दैट इज़ द इंग्लिश स्पोकन इन लंडन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th century. इट वॉज कॉल्ड द लेट लंडन डायलैक्ट बिकॉज दिस पीरियड अप्रोचेज द एंड ऑफ द मिडिल इंग्लिश। अब जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो गई थी और उसका जो है वो एंड स्टार्ट होने वाला था। ऐसे कि जब लंदन में, लंदन के एरियाज़ में ये इंग्लिश बोली जाती थी, तो जो 14th century के मिडिल में ऐसा हुआ कि ये ख़त्म होने लगी, क्योंकि अब यहाँ पर आपके पास एक यू टर्न ले लिया गया कि अब मॉडर्न इंग्लिश आने वाली थी, तो इसलिए इसको एंड किया जा रहा था, ये ख़त्म हो रही थी, मतलब लंदन के एक एरिया से बिल्कुल ये ख़त्म होने शुरू हो गई थी। बाय द मिडल ऑफ द 15th century इंग्लिश हैड डेवलप्ड सो फार टूवर्ड्स द लैंग्वेज वी नो टुडे दैट इट कैन बी क्लासिफाइड एज मॉडर्न इंग्लिश। अब 15th century के बीच में ऐसा हुआ कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेहतर डेवलप हो गई और बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई, उसमें जब चेंजेस हुए वो एडवांस हो गई, और फिर उसके बाद 15th century के मिडिल में जो इंग्लिश बनी, इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुई, वो अब तक चलने वाली है, क्योंकि इसको हम नाम देते हैं मॉडर्न इंग्लिश का। इट वॉज नेचुरल दैट द इंग्लिश ऑफ लंडन शुड बिकम द स्टैंडर्ड मॉडल फॉर द होल कंट्री। अब ये बिल्कुल कुदरती सी बात हो गई थी कि जो इंग्लिश थी, लंदन की जो इंग्लिश थी, वो स्टैंडर्ड मॉडल बन चुकी थी पूरे मुल्क की। द कोर्ट एंड द किंग्स गवर्नमेंट यूज्ड द लंदन डायलैक्ट, एंड सिंस लंदन वॉज द लार्जेस्ट सिटी एंड पोर्ट इन ब्रिटेन, इट वॉज द मोस्ट यूजफुल एंड जनरली एक्सेप्टेबल काइंड ऑफ इंग्लिश फॉर कॉमर्स। अब ये इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी कि जो कोर्ट और कोर्ट के अलावा आपके पास जो वहाँ पर किंग की जो हुकूमत थी, वो सब लंदन डायलैक्ट यूज़ करते, डायलैक्ट मतलब लहजे, तो वो सब लंदन डायलैक्ट्स यूज़ करते थे और ये हर जगह एक्सेप्टेबल थी। इस तरह की जो ज़बान थी, लैंग्वेज थी, वो हर जगह एक्सेप्टेबल थी। इट्स प्रेस्टिज एज अ लिटरेसी डायलैक्ट वॉज इस्टेब्लिश बाय द पॉपुलरिटी ऑफ टू राइटर्स। और फिर इसी लैंग्वेज में दो राइटर्स थे, उन्होंने राइटिंग में पॉपुलरिटी दी इस लैंग्वेज को। एक है चौसर एंड गोवर, हु स्पोक एंड राइट द इंग्लिश ऑफ लंदन। उन्होंने कही भी और लिखी भी इंग्लिश ऑफ लंदन, ये लैंग्वेज उन्होंने कही भी और लिखी भी। अप टू देयर टाइम इंग्लिश लिटरेचर वॉज रिटन इन वराइटी ऑफ डायलैक्ट्स। सिंस देयर टाइम वेरी लिटिल नॉन ड्रामेटिक लिटरेचर विद द एक्सेप्शन ऑफ सम गुड स्कॉटिश लिटरेचर हैज़ बीन रिटन इन एनी ऑफ द प्रोविंशियल डायलैक्ट्स। अब इन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर को लिखा, बहुत सारी मतलब लहजे वगैरह थे उसमें इन्होंने काम किया, क्योंकि हर ज़बान का एक अपना लहजा होता है। जैसे हम कहें कि उर्दू में बहुत सारे लहजे होते हैं, डायलैक्ट्स होते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में भी बहुत डायलैक्ट्स होते हैं, और हर एरिया में अपने हिसाब से ज़बान बोली जाती है। तो इस तरीके से इन लोगों ने भी जो इंग्लिश लिटरेचर वगैरह उस पर काम किया था, और बहुत कुछ लिखा भी था, बोला भी था, और थोड़ा सा नॉन ड्रामेटिक लिटरेचर थी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने ज़्यादातर जो काम है वो पोइट्री पे किया था, इसलिए जो ड्रामास वगैरह इंग्लिश में होते हैं, टेक्स्ट वगैरह होते हैं, तो ऐसा कुछ उनका काम नहीं था, बल्कि पोइट्रीज पे ज़्यादा वर्क था उनका। और बहुत सी चीज़ें मतलब कि हम कह सकते हैं उन्होंने लिखी, लेकिन एक्सेप्शन किस चीज़ के, कि स्कॉटिश लिटरेचर और इसके अलावा बहुत सारे प्रोविंशियल डायलैक्ट्स, वही के हर प्रोविंस का अपना अपना लहजा होता है, तो इन सब चीज़ों को हटा के इन्होंने जो है वो एक नॉन ड्रामेटिक लिटरेचर लिखी और ज़बान कही। चौसर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर्स ऑफ ऑल द टाइम, डाइड इन AC 1400। अब जो चौसर हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस और बहुत बड़े इंग्लिश राइटर थे, मतलब अपने वक्त के, अपने दौर के बहुत बड़े राइटर थे ये इंग्लिश राइटर, तो इनकी डेथ हुई AC 1400 में। द फॉलोइंग लाइन्स टेकन फ्रॉम द प्रोलॉग ऑफ हिज कैंटरबरी टेल्स,
अब यहाँ पर कुछ आगे लाइंस मेंशन हैं जो उनकी लिखी गई, एक जो उन्होंने लिखा था, उनका काम था, उसमें से लिया गया है। विल लेट यू सी हाउ फार इंग्लिश हैड डेवलप्ड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश एंड हाउ नियर टू आर मॉडर्न लैंग्वेज। तो जो आगे हमारे पास कुछ गिवन है, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम कितने दूर चले गए हैं ओल्ड इंग्लिश से और अब हम कितने करीब हैं मॉडर्न इंग्लिश के। यहाँ पर आपके पास एक पूरा पैरा गिवन है जिसमें ये एक पुरानी इंग्लिश से लिया गया है जो कि पुरानी है, जो अब मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न लैंग्वेज है, उससे पहले की ये बात की जा रही है। तो और ये एक राइटर ने, जो चौसर थे, उन्होंने लिखी थी उसके बारे में। और ये पोइट्री है, टोटली अबाउट पोइट्री। तो इसमें इसकी जो अब आगे प्रोनंसिएशन है और जो इसका मतलब है वो हम आगे समझते हैं। अ मॉडर्न इंग्लिश वर्जन। अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उस वर्जन में अगर हम बात करें तो ये क्या है। यू आर गोइंग टू कैंटरबरी, मे गॉड एड यू एंड मे द ब्लेस्ड मार्टियर रिवॉर्ड यू। अब कैंटरबरी क्या है? इबादत गाह है। तो अब इसमें बताया जा रहा है कि खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और सारी ब्लेसिंग्स तुम्हें मिलें। एंड आई वेल नो दैट एज यू ट्रैवल अलॉन्ग द रोड यू प्लान टू टेल स्टोरीज एंड अम्यूज़ योर सेल्फ, फॉर ट्रूली देयर इज़ नो प्लेजर और मेरिमेंट इन राइडिंग अलॉन्ग द रोड एज डम एज एनी स्टोन। एंड देयर फॉर आई विल सी दैट यू आर इंटरटेन एज आई फर्स्ट सेड एंड गिव यू सम प्लेजर। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जितना लंबा रोड है, जो रास्ता है, वो बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा, कहानियाँ सुनाते सुनाते गुजर जाएगा। और अगर सच बात कही जाए तो शायद इतना ज़्यादा प्लेजर नहीं है राइड करना। पूरे जो रोड है, रास्ता है, वो वहाँ पर चलना इतना आसान नहीं है। एंड देयर फॉर आई विल सी यू दैट यू आर इंटरटेन। और मैं देखता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, मज़े में हो, एज आई फर्स्ट सैड एंड गिव यू सम प्लेजर, जैसा कि मैंने पहले कहा, और मैं तुम्हें कुछ सुकून भी देना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये एक पोइट्री है जो ऊपर हमारे पास गिवन था, ये ओल्ड इंग्लिश वर्जन था और यहाँ पर हमारे पास मॉडर्न इंग्लिश वर्जन में ये कन्वर्ट हुई हुई है। तो इसकी आपके पास ये मीनिंग थी। एज देयर वर नो मोर फॉरेन कॉन्क्वेस्ट ऑफ द आइलैंड द लैंग्वेजेस वॉज थेंस फॉरवर्ड एबल टू डेवलप। अब यहाँ पर कोई इतने ज़्यादा रुकावटें नहीं थी आइलैंड पे, तो लैंग्वेज जो थी वो और ज़्यादा डेवलप हो रही थी। एज इट वर अंडर इट्स ओन इम्पेटस, और इम्पेटस का मतलब डेवलप होना किसी भी चीज़ का अपनी तरह से, अपने तरीके से। तो ये जो लैंग्वेज थी वो अपने तरीके से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, इन्हांस हो रही थी। देयर वर नो मोर रेडिकल चेंजेस एंड सो मिडिल इंग्लिश मर्ज्ड। और यहाँ पर कोई ज़्यादा इतने चेंजेस नहीं आ रहे थे मिडिल इंग्लिश में, और वही मर्ज हो रही थी और वही इन्हांस हो रही थी। इम्परसेप्टिबली इन टू द अर्ली मॉडर्न इंग्लिश ऑफ शेक्सपियर्स एज एंड देन इन टू द लैंग्वेज वी स्पीक नाउ। फिर मिडिल इंग्लिश मर्ज हो गई इन टू अर्ली मॉडर्न इंग्लिश ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की एज में जो इंग्लिश थी उसमें। फिर उसके बाद जो शेक्सपियर जिस टाइम में थे, बहुत फेमस पोइट, तो जिस टाइम में शेक्सपियर थे उस टाइम भी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं थोड़ी सी उससे डिफरेंट थी। तो जो मिडिल इंग्लिश थी वो मर्ज की गई, पहले तो अर्ली मॉडर्न, मतलब शुरू में मॉडर्न हुई, जो कि हम कह सकते हैं कि अर्ली मॉडर्न थी शेक्सपियर के ज़माने की जो इंग्लिश थी। उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हो गई उस लैंग्वेज में जो आज हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये सब वही इंग्लिश है जो मर्ज होती गई आगे और इन्हांस होती गई। वी हैव सो फार रेफर्ड ओनली टू इंग्लैंड एंड नॉट टू ब्रिटेन। हम ये कह सकते हैं कि रेफ़र करती है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से नहीं। द डिस्टिंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंग्लैंड इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन, द बिगेस्ट पार्ट।
It is true, but it's still only a part, whereas ब्रिटेन इंक्लूड्स ऑल्सो वेल्स एंड स्कॉटलैंड. ये जो बीच में डिफरेंस है वो ज़रूरी है कि हम ये कह रहे हैं कि ये बिलोंग करती है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से नहीं. तो ये डिफरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंग्लैंड जो है वो सिर्फ पार्ट है ब्रिटेन का, बहुत बड़ा पार्ट है ब्रिटेन का, ये सच है, लेकिन सिर्फ पार्ट है. ब्रिटेन जो है वो अलग से इंक्लूड करता है वेल्स भी और स्कॉटलैंड भी, मतलब इंग्लैंड भी इंक्लूड है लेकिन इंग्लैंड सबसे बड़ा पार्ट है, जबकि ब्रिटेन के पास वेल्स भी है और स्कॉटलैंड भी है. द एंग्लो सैक्सन्स आफ्टर कॉन्क्यूरिंग इंग्लैंड नेवर सक्सीडेड इन पेंट्रेटिंग टू दीज रिमोट पार्ट्स ऑफ ब्रिटेन, सो दैट द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नेवर इम्प्लांटेड देयर. अब जो एंग्लो सैक्सन थी वो सबसे पहले बहुत, उसका जो है एक वक्त था बहुत कामयाबी मिली, लेकिन उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई तो इंग्लैंड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई और लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर घुस सके. जितने भी पार्ट्स थे वहाँ पर कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज कभी भी इम्प्लांट नहीं की गई, मतलब कभी भी वहाँ पर बोली नहीं गई या पर वहाँ पर बेसिकली इन्वॉल्व ही नहीं हुई वो. द इनहेबिटेंट्स नॉन एज स्कैल्स हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंग्लिश फॉर मैनी ईयर्स कैप्ट देयर ओन लैंग्वेज, कैटलिक वेरियर्स डायलैक्ट्स ऑफ विच आर स्टिल स्पोकन टूडे इन दीज पार्ट्स ऑफ ब्रिटेन एंड इन आयरलैंड. बहुत सारी दूसरी भी जो लहजे थे, लैंग्वेजेस थी, वो बोली जाती थी बहुत सारे पार्ट्स में ब्रिटेन के और आयरलैंड के. अ फोर्थ कैल्टिक डायलैक्ट कॉर्निश यूज टू बी स्पोकन इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंग्लैंड. अब एक और लैंग्वेज हम कह सकते हैं जो कि बोली जाती है पर्टिकुलर एरिया में, मतलब लहजा जो यूज़ किया जाता है वो है कॉर्निश, जो कि बोली जाती है साउथ वेस्ट कॉर्नर, इंग्लैंड के साउथ वेस्ट कॉर्नर में. बट इट बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट 200 ईयर्स अगो, लेकिन ये भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसका जवाल हो चुका है 200 साल पहले ही. एंग्लो सैक्सन इज़ नाउ ऑफ कोर्स अ डेड लैंग्वेज, बट अ गुड डील ऑफ इट्स वोकैबुलरी हैज़ सर्वाइव्ड इन वन फॉर्म और अनदर टू द प्रेजेंट डे. एंग्लो सैक्सन बेशक ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल, लेकिन एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा बड़ा ये मिला कि वहाँ से वोकेबलरी का आइडिया हो गया, वोकेबलरी जो है वो मज़ीद इन्हांस हो गई, वहाँ से सर्वाइव हो गई. और वोकेबलरी एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वोकेबलरी में जितने भी वर्ड्स वगैरह जो आ जाते हैं वो, तो वोकेबलरी का एक कॉन्सेप्ट मिला वहाँ से, और सर्वाइव जो कि कर सकती थी एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक एरिया से दूसरी जगह, दूसरे एरिया में ये इजीली वोकेबलरी से आइडिया हो गया इस लैंग्वेज का. और अब तक भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज के यूज़ किए जाते हैं हमारी वोकेबलरी में, इंग्लिश वोकेबलरी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं. मोस्ट ऑफ द वेरी कॉमन वर्ड्स इन द मॉडर्न इंग्लिश आर एंग्लो सैक्सन इन ओरिजिन. बहुत जो कॉमन वर्ड्स हैं मॉडर्न इंग्लिश में जो कि एंग्लो सैक्सन के हैं या एंग्लो सैक्सन से लिए गए हैं, वो हैं नाउन्स लाइक फादर, मदर, फूड, ड्रिंक, बेड, हंगर, मोस्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस एंड कंजक्शंस एंड नियरली ऑल द स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. अब जो चीज़ें वहाँ से ली गई हैं वो क्या हैं, नाउन हैं जैसे कि फादर, मदर, ये सब एंग्लो सैक्सन में बोले जाते हैं. एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज की वोकेबलरी है जो वहाँ से ली गई है और मॉडर्न इंग्लिश में आज भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट डे में, जैसे कि फादर, मदर, फूड, ड्रिंक, बेड, हंगर, मोस्ट ऑफ द बहुत सारी प्रीपोजिशंस जो हैं, मतलब एक वर्ड या किसी की पोजीशन को हम जब बताते हैं तो उससे पहले जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है प्रीपोजिशन भी और कंजक्शंस भी. कंजक्शंस वो होता है जो आपके पास एक सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, ये आप कंजक्शंस में यूज़ करते हो. तो ये भी एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज से ही लिए गए हैं. और जितने भी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं, वर्ब्स मतलब किसी भी काम करने को, एक्शन को शो कर रहे होते हैं, तो वर्ब्स वगैरह बहुत सारे एंग्लो सैक्सन से ही लिए गए हैं जो हम प्रेजेंट डे में यूज़ कर रहे हैं. व्हेन इट वाज मिक्स्ड विद नॉर्मन फ्रेंच देयर वर थ्री मेन रिजल्ट्स. जब इस लैंग्वेज को मिक्स किया गया नॉर्मन फ्रेंच के साथ तो तीन बहुत बड़े रिजल्ट सामने आए. द ग्रामर वॉज सिंप्लीफाइड. सबसे पहली चीज़ तो ये कि ग्रामर सिंपल हो गई, सिंप्लीफाइड हो गई. द प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग बिकेम एंड स्टिल आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. और जो प्रोनाउंसिएशन थी, मतलब लफ्ज़ को किस तरीके से बोलना है,
वो जो प्रोनाउंसिएशन थी वो, और इसके अलावा स्पेलिंग्स जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए पहले से ज़्यादा। अच्छा है वो जितने कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो हमें उतने ज़्यादा वर्ड्स मिलते जाएंगे बोलने के लिए, तो ये एक तरह से रिजल्ट ही था। एंड द वोकेबलरी वॉज इनॉर्मसली एक्सटेंडेड, फ्रेंच इज़ अ लैटिन लैंग्वेज। अब आपके पास जो वोकेबलरी थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ये एक फ़ायदेमंद रिज़ल्ट था कि वोकेबलरी अगर बढ़ गई तो अच्छा है, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं बोलने के लिए। जितनी ज़्यादा वोकेबलरी होगी उतना ज़्यादा उस लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस मिलेगी, जैसे कि इंग्लिश है, उर्दू है, बहुत इंपॉर्टेंस है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वोकेबलरी बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी है उसकी। फ्रेंच इज़ अ लैटिन लैंग्वेज, फ्रेंच जो है वो एक लातिनी ज़बान है, लैटिन लैंग्वेज है। सो द मेजर पार्ट ऑफ आर वोकेबलरी इज़ नाउ लैटिन इन ओरिजिन। अब जो हमारा मेजर, हमारी वोकेबलरी का जो पार्ट है वो लैटिन है, मतलब लैटिन से ओरिजिन किया गया है, लिया गया है, वहाँ से अखज़ किया गया है। दैट इज़ ऑल ऑल्सो वन रीज़न वाई वी हैव सो मैनी सिनोनिम्स। वोकेबलरी बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास उतने ही ज़्यादा सिनोनिम्स है, मतलब एक ही वर्ड की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि सेम मीनिंग्स के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिनोनिम्स। तो हमारे पास सिनोनिम्स बहुत सारे हो गए हैं, वोकेबलरी इतनी ज़्यादा है कि हर वर्ड की बहुत सारी मीनिंग है। इन पेयर ऑफ वर्ड्स लाइक वेयर एंड मैरी, फैट एंड कॉर्पुलेंट, लाइवली एंड विवेकियस। अब ये जो वर्ड्स यहाँ पर हैं, वेयर और मैरी, एक ही बात है, फैट एंड कॉर्पुलेंट ये भी आपके पास एक ही बात है, लाइवली एंड विवेकियस ये भी आपके पास बिल्कुल सिमिलर वही चीज़ है, दोनों वर्ड्स हैं उनका एक ही मतलब है। मतलब ये सिनोनिम्स आपके पास कुछ लिखे हुए हैं कि दोनों जो वर्ड्स गिवन हैं आपके पास उनका मतलब एक ही है। द फर्स्ट वर्ड इज़ ड्राइव फ्रॉम एंग्लो सैक्सन एंड द सेकेंड वर्ड फ्रॉम लैटिन। अब जो पहला वर्ड है वो कहाँ से आया है आपके पास, एंग्लो सैक्सन से, और जो दूसरा वर्ड है वो आपके पास लैटिन से आया है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज भी मिक्सचर से बनी है, मतलब एक लैंग्वेज आपके पास मर्ज हो गई दूसरी में, कहीं से हमें वोकेबलरी का कॉन्सेप्ट मिल गया, कहीं से हमारे पास लिटरेचर का कॉन्सेप्ट आ गया। इसी से पहले हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स एंग्लो सैक्सन के हो गए और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो लैटिन वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हमने इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में जो हम आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट डे, तो हमने उसमें कर लिए। अ लैंग्वेज नेवर स्टैंड्स स्टिल, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड डेवलपिंग। कोई भी ज़बान होती है वो हमेशा के लिए एक जैसी नहीं हो जाती, बल्कि उसमें बहुत से चेंजेस आते रहते हैं, वक्त के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। दीज चेंजेस आर रैपिड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ बट स्लो इन एडवांस वन, बिकॉज द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग एंड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हैव फिक्स्ड अ ट्रेडिशनल यूजेज। अब जो ये चेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होते थे, जब पहले का दौर था तो बहुत जल्दी जल्दी, जैसे कि हमने खुद अभी देखा कि एंग्लो सैक्सन थी, उसके बाद फिर आपके पास मिडिल इंग्लिश आई, मिडिल लैंग्वेज आई, उसके बाद आपके पास मॉडर्न, अर्ली मॉडर्न लैंग्वेज आई, उसके बाद आपके पास मॉडर्न इंग्लिश आ गई। तो इस तरीके से पहले बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते थे, मतलब पहले जो सोसाइटीज़ थी उनमें बहुत जल्दी चेंजेस होते थे, लेकिन अब जो है ये चेंजेस बहुत स्लो हो गए हैं क्योंकि एडवांस ज़माना हो गया है बिल्कुल, तो इन्वेंशंस बहुत सारी हो चुकी हैं, प्रिंटिंग का ज़माना आ गया है, तो इस वजह से, और एक ट्रेडिशनल एजुकेशन का दौर चलता हुआ आ रहा है, तो इस वजह से अब इतना ज़्यादा सिस्टम एडवांस नहीं हो रहा, अब बहुत स्लो हो गया है जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो हो गई है लैंग्वेज में। द ओनली इम्पॉर्टेंट चेंज दैट इंग्लिश हैज़ अंडरगोन सिंस द 16th सेंचुरी इज़ अ वेरी लार्ज इंक्रीज़ इन इट्स वोकेबलरी। बस एक जो सबसे ज़्यादा अहम चेंज आया है वो ये है कि इसकी वोकेबलरी, मतलब इसके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, मतलब एक एक वर्ड के बहुत ज़्यादा मीनिंग्स हैं इसलिए, क्योंकि उसकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द डिफरेंट वेज इन विच न्यू वर्ड्स आर अडोप्टेड और इन्वेंटेड। ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प है कि हम ये देखें कि किस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं, नए नए वर्ड्स आ जाते हैं, लोग नए नए वर्ड्स अडोप्ट कर लेते हैं, इन्वेंट कर लेते हैं। लेट अस टेक जस्ट 4 इंग्लिश वर्ड्स एंड सी हाउ दे वर मेड। अब हम लेते हैं 4 इंग्लिश के वर्ड्स यहाँ हमने लिए हैं और देखते हैं किस तरीके से ये बने। सबसे पहले है एडमायरल, सेकेंड यैक्ट, देन सैंडविच एंड टेलीविजन। एडमायरल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस इन द 15th सेंचुरी। एडमायरल बेसिकली जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट वगैरह के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है, तो एडमायरल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंग्लैंड में। फिर इंग्लैंड में कहाँ से आया था, ये फ्रांस से आया था, मतलब बेसिकली ये फ्रांस का है जो कि इंग्लैंड चला गया था। ये वर्ड यूज़ हुआ था 15th सेंचुरी में। इट वॉज देन स्पेल्ड अमायरल एंड वॉज डिराइव बाई द फ्रेंच फ्राम अ कंपाउंड अरेबिक वर्ड। अब
सबसे पहले ये स्पेल किया गया था अमायरल, पहले एडमायरल है ये बेसिकली, लेकिन इसको पहले स्पेल, सबसे पहले जो स्पेल किया जाता है अमायरल के नाम से, जो कि फ्रेंच मतलब कंपाउंड अरेबिक वर्ड से इसे लिया गया था, ड्राइव किया गया था अमायरल जो वर्ड था, और जो कंपाउंड अरेबिक वर्ड है वो था अमीर अल बहर, जिसका मतलब था प्रिंस ऑफ द सी, मतलब जो समंदर है उसका प्रिंस, उसका शहज़ादा, समंदर का शहज़ादा अमायर अल बहर ये था, और ये फिर अमायरल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया एडमायरल में। सम टाइम लेटर सर्टेन मिस गाइडेड इंग्लिश स्कॉलर लुकिंग एट दिस वर्ड, और कभी कभी फिर बहुत सारे ऐसे इंग्लिश स्कॉलर्स थे जो इस वर्ड को देखते थे, इस पर काम करते थे, अम्यूज्ड दैट इट वॉज अ करप्शन ऑफ द लैटिन वर्ड एडमायरर मीनिंग टू वंडर। अब बहुत सारे लोग इसको ये समझते थे कि ये मिसयूज़ किया जा रहा है, मतलब ये वर्ड ऐसा नहीं है, बल्कि ये लातिनी ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब था एडमायरर, जिसका मतलब था टू वंडर, एंड प्रोसीडेड टू रिप्लेस एज ए टॉट द डी इन द फर्स्ट सिलेबल। अब इन लोगों को ये लग रहा था कि बस यहाँ से डी रिमूव करके, बस जो ऐसे स्कॉलर्स थे उन्हें ये लगा कि ये एक मिसयूज़ वर्ड है, ये गलत जगह पे यूज़ किया जा रहा है और चीट किया जा रहा है एक तरह से। एज द थॉट द डी इन द फर्स्ट सिलेबल, सो आउट ऑफ दिस कन्फ्यूजन इन्वॉल्विंग थ्री लैंग्वेजेस वी हैव द प्रेजेंट वर्ड एडमायरल। फिर सारी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुई, उसके बाद तीन लैंग्वेजेस के बाद ये मिलकर हमारे पास जो अब वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो एडमायरल है। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ये एक किस्सा था कि पहले अमायरल आया, और अमायरल कहाँ से आया, अमीर अल बहर से आया, उसके बाद फिर आपके पास ये एडमायरल हो गया डी ऐड करके। तो एडमायरल वर्ड जो हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं ये बहुत सारे वर्ड्स की चेंजिंग के बाद यूज़ हुआ है, मतलब तकरीबन तीन लैंग्वेजेस को यूज़ करने के बाद एक वर्ड हमारे पास आया है जो हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं। याक्ट, याक मीन्स कश्ती या बड़ी बोट को हम कहते हैं। याक इज़ अ डच वर्ड, ये एक डच वर्ड है विच अकाउंट्स फॉर इट्स अनयूजुअल स्पेलिंग। द फर्स्ट याक्ट वॉज गिवन बाई द डच टू किंग चार्ल्स टू एज अ वेडिंग प्रेजेंट इन 1662। सबसे पहला जो ये याक्ट था वो एक डच के रहने वाले किसी ने किंग चार्ल्स को दिया था वेडिंग प्रेजेंट के तौर पे 1662 में। द नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम द डच वर्ड फॉर हंटिंग, और ये नेम कहाँ से आया था, नेम आया था ये हंटिंग से, वर्ड हंटिंग से, एंड याक्ट वर्ड सो नेम्ड फॉर देयर स्पीड। और याक्ट इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, स्पीड की वजह से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनी ऑफ आर नॉटिसल वर्ड्स केम फ्रॉम डच, और बहुत सारे अगर हम देखें कि फैक्ट की बात है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डच लैंग्वेज से हमारे पास आए हैं। जस्ट एज मैनी ऑफ आर वर्ड्स कनेक्टेड विद म्यूज़िक एंड पेंटिंग केम फ्रॉम इटालियन, और कुछ ऐसे मतलब जस्ट फ्यू ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे पास कनेक्ट हैं म्यूज़िक से और पेंटिंग से, वो हमारे पास इटालियन है, मतलब इटालियन वर्ड्स यूज़ हुए हैं म्यूज़िक में, पेंटिंग में, बाकी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो डच वर्ड्स हैं। सैंडविच विच इज़ नाउ नो लॉन्गर अ प्योरली इंग्लिश वर्ड, अब सैंडविच जो है अब जो है वो कोई ज़्यादा प्योरली इंग्लिश वर्ड नहीं है जो हम कह सकते हैं, बट ऑलमोस्ट इंटरनेशनल, लेकिन ये हर जगह बोला जाता है। कम्स फ्रॉम द फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच, डाइड 1792, हु इन्वेंटेड दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्विक मील सो दैट ही कुड गो ऑन गैम्बलिंग ऑल थ्रू द नाइट विदाउट स्टॉपिंग फॉर डिनर। अब ये वर्ड जो है वो ड्राइव किया गया था जिसने ड्राइव किया था उनकी डेथ हुई थी 1792 में, और ये नाम पर्टिकुलरली देखा जाए तो मील के लिए, मतलब खाने पीने की चीज़ के लिए है। मैनी नेम्स ऑफ द थिंग्स आर इन फैक्ट टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ देयर फर्स्ट इन्वेंटर्स, और बहुत सारे, अब ये जो नाम था ये रखा था, जिसने रखा था वो अपने ही नेम से मिलता जुलता रखा था, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं देखें तो जो कि जो इन्वेंट करता है बंदा वो अपने नाम से मिलता जुलता नाम दे देता है उसे, जैसे कि द इलेक्ट्रिकल टर्म्स वॉट एंड वोल्ट। अब आपके पास वॉट पावर का यूनिट है वॉट, और जिसने इसे बनाया है
वो साइंटिस्ट था, तो वो वॉट से मिलता जुलता उसका नाम था, तो उसने उसका नाम वॉट रख दिया क्योंकि उसने इन्वेंट किया था। और इस तरीके से वॉल्ट है, वॉल्ट आपके पास करंट का यूनिट है, और ये भी जिसने इजाद किया था उसने अपने नाम से मिलता जुलता रख दिया। इसी तरह बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस तरह करते हैं। टेलीविज़न इज़ टिपिकल ऑफ मैनी न्यू साइंटिफिक वर्ड। अब टेलीविज़न जो है वो एक टिपिकल वर्ड है, जितने भी साइंटिफिक न्यू वर्ड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा टिपिकल है। विच आर डेलिब्रेटली इन्वेंटेड फ्रॉम ओल्ड ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स, जो कि इन्वेंट हुआ है ओल्ड ग्रीक मतलब पुरानी ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन वर्ड्स से, लातिनी वर्ड्स से। इन दिस केस द प्रीफिक्स टैली इज़ ग्रीक, और इस केस में जो प्रीफिक्स मतलब शुरू के जो वर्ड्स हैं टैली वो ग्रीक हैं, जिसका मतलब है फार, और हम कह सकते हैं टेलीफोन, टेलीग्राम वगैरह जिसका मतलब, वाइल द रूट विजन। बाकी जो रिमेनिंग का जो वर्ड है विजन इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ब मीनिंग टू सी, जो कि ड्राइव हुआ है लातिनी जबान से जिसका मतलब है देखना, टू सी। लैटिन वर्ब वर्ब बेसिकली किसी काम को कहते हैं, तो टू सी मतलब काम ही हुआ ये, तो ये लैटिन वर्ब से ड्राइव हुआ है विजन, विजन से मतलब विजन से फिर निकला टू सी देखना। तो ये आपके पास कुछ वर्ड्स थे जिनके बारे में बताया कि किस तरीके से इनकी वोकेबलरी मिलती जुलती बहुत सारी लैंग्वेजेस के बाद ये वर्ड्स ड्राइव हुए। इसी तरीके से जितनी भी वोकेबलरी हमारे पास है तो वो बहुत सारे वर्ड्स से, बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलने के बाद हमारे पास है इतनी वास्ट वोकेबलरी जो इंग्लिश में है हमारे पास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 10, द इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू सो मच।